नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 जून मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। 15वीं विधानसभा का सप्तम सत्र यानी मॉनसून सत्र अगस्त महीने में बुलाया जा सकता है। इसको लेकर सरकार ने विभागों को तैयारी रखने के निर्देश दे दिए हैं। अभी छोटे सत्र के सत्रावसान की फाइल संसदीय कार्य विभाग ने संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल को भेजी है। मंत्री धारीवाल इसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेजेंगे, जहां से इसे कैबिनेट में रखा जाएगा, वहां से राजभवन भेजा जाएगा। राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ प्लांट का निरीक्षण करने के दौरान किसानों को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि विगत समय में डेयरी में जमकर गड़बड़ियां हुई है, इस संबंध में कोई शिकायत मिली तो जांच करवाई जाएगी। आंजना ने कहा कि चित्तौड़गढ़ डेयरी को भीलवाड़ा डेयरी से अलग करवाकर स्वतंत्र डेयरी बनाने में जमीन आवंटन से लेकर स्थापना तक में उनका हाथ है और आगे भी इसकी प्रगति के लिए काम करते रहेंगे। जयपुर के झोटवाड़ा क्षेत्र में बीती रात 3 दुकानों में चोरी की वारदात हुई है। 2 दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जहां पर आराम से चोरी करते हुए चोर दिखाई दे रहे हैं। इन वारदातों के बाद आज सवेरे पुलिस मौके पर पहुंची और जल्द ही चोरों को पकड़ने का आश्वासन दिया। चोरी की वारदातों के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। चोरों ने ज्वेलरी की 2 दुकानों और एक कैमरा शॉप में हाथ दिखाए हैं। राजस्थान सरकार की अनलॉक की नई गाइडलाइन को लेकर सीकर के व्यापारियों में शुरू हुई असमंजस की स्थिति मंगलवार को साफ हो जाएगी। मामले में कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी आज बैठक कर फैसला करेंगे। इससे पहले सोमवार को कई व्यापारियों ने 60% से अधिक स्टाफ का वैक्सीनेशन होने का तर्क देते हुए शाम 7 बजे तक दुकान खोलने की कोशिश की, लेकिन प्रशासनिक टीमों ने शाम 4 बजे सभी बाजार बंद करवा दिए। जिला प्रशासन का तर्क है कि नई गाइडलाइन जारी नहीं होने तक बाजार शाम 4 बजे तक ही खुलेंगे। सरकारी तेल कंपनियों ने इस साल दामों की तेजी का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना दिया है। कंपनियों ने औसतन हर तीसरे दिन पेट्रोल डीजल के दामों को बढ़ाया है। अभी साल के 6 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं और पेट्रोल डीजल के दामों में 58वीं बार बढ़ोतरी हो चुकी है। मंगलवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 36 पैसे और डीजल के दाम में 30 पैसे की बढ़ोतरी कर दी है। इस बढ़ोतरी के बाद जयपुर में पेट्रोल 105.54 रुपये और डीजल के दाम 98.29 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून में देरी की वजह से तेज गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में राजस्थान के 20 शहरों में पारा 40 डिग्री से ऊपर चढ़ गया है। मंगलवार सुबह तक चूरू और सवाई माधोपुर सबसे ज्यादा गर्म रहे। यहां तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम तापमान उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर 36 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश की राजधानी जयपुर की बात करें तो यहां भी सोमवार को तापमान 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आसमान में बादल छाए रहे लेकिन बारिश नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी ने अब राष्ट्रीय स्तर से बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करते हुए सेवा कार्यों में जुटने का आह्वान किया है। इसी क्रम में जोधपुर शहर जिला भाजपा के स्टील भवन में बैठक आयोजित की गई। जोधपुर शहर जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी के सानिध्य में आयोजित बैठक में संगठन के आगामी कार्यक्रमों से अवगत करवाया गया, साथ ही कोविड के समय किए गए कार्यों की सराहना कर कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपाई गई। कोरोना की दूसरी लहर थमती दिख रही है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये कभी भी प्रकोप बनकर उभर सकती है। ऐसे में बचाव का सबसे प्रभावी और इकलौता उपाय है टीका। सरकार अभी 18 वर्ष और इससे अधिक उम्र के सभी लोगों का वैक्सीनेशन कर रही है। बीकानेर में 15,94,223 लोगों का टीकाकरण कराने का टारगेट है। इस दृष्टि से दोनों डोज के यहाँ 19,42,000 टीके और चाहिए। एक तरफ जहां खाप पंचायतों पर सरकार और न्यायालय ने पूरी तरह रोक लगा रखी है, वहीं दूसरी तरफ इन खाप पंचायतों के तुगलकी फरमान आए दिन देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जोधपुर के झंवर थाना इलाके के राणा नगर भैयों की ढाणी का सामने आया है, जहां एक परिवार का हुक्का पानी बंद कर उस पर 50,000 रुपये का आर्थिक दंड दे दिया गया। परिवार ने इसकी शिकायत झंवर थाने में भी की, लेकिन अब तक पुलिस ने इस मामले में कुछ कार्रवाई नहीं की। बीकानेर में कोरोना लगभग खत्म होने की कगार पर आ गया है। मंगलवार सुबह की रिपोर्ट भी शून्य रही, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 31 टेस्ट की फिर से जांच हो रही है। हालांकि शहरी क्षेत्र में कोई भी सैंपल ऐसा नहीं है जिसकी फिर से जांच की जा रही हो। हेल्थ डिपार्टमेंट अब हर उस व्यक्ति की कोरोना जाँच कर रहा है जो अस्पताल पहुँच रहा है। इतना ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में तो घर घर पहुँचकर सैंपल लिए जा रहे हैं।
जोधपुर नगर निगम दक्षिण के वार्ड संख्या 10 स्थित उम्मीद सागर बांध के आसपास हो रहे अतिक्रमण को लेकर भी जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। पार्षद हेमलता परिहार ने बताया कि पिछले लंबे समय से प्रशासन के अनदेखी एवं लोगों की महत्वाकांक्षा के कारण उम्मीद सागर विलुप्त होने के कगार पर आ गया है। अतिक्रमियों एवं भू माफियाओं के कारण वहाँ भराव क्षेत्र तक निर्माण हो चुके हैं तथा लगातार जारी है। सरकार ने शर्तों के साथ सभी बाजार शाम 7 बजे तक खोलने के आदेश दे दिए। मंदिरों को भी खोलने की गाइडलाइन जारी हो गई। सोमवार को पहले दिन आदेश की कितनी पालना हुई। बीकानेर में सभी बाजार शाम 7 बजे तक खुले रहे। किसी दुकान पर 60% कर्मचारियों द्वारा वैक्सीनेशन का बोर्ड डिस्प्ले नहीं किया गया। ताज्जुब है कि प्रशासन ने इसकी जाँच के लिए अब तक कोई सिस्टम भी नहीं बनाया है। जोधपुर में हिंदू सेवा मंडल द्वारा अक्षय पात्र के सहयोग से जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री के 50 से अधिक पैकेट का वितरण किया गया। हिंदू सेवा मंडल के सचिव विष्णु चंद्र प्रजापत ने बताया कि शहर विधायक मनीषा पंवार के आतिथ्य में अक्षय पात्र के मैनेजर अशोक पटेल की मौजूदगी में खाद्य सामग्री पैकेट का वितरण किया गया। बीकानेर में सोमवार को जहां कोविड का कोई भी नया रोगी रिपोर्ट नहीं हुआ, वहीं पीबीएम हॉस्पिटल के एमसीएच कोविड विंग में अब 4 ही रोगी रह गए हैं। पूरा हॉस्पिटल खाली होने के बाद अब यहां बी ब्लॉक के सेकंड फ्लोर में ब्लैक फंगस के रोगी शिफ्ट हो रहे हैं। वहीं तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए क्रिकेटर युवराज सिंह फाउंडेशन की टीम 100 बेड हॉस्पिटल के सामान के साथ पहुँचने के बाद यहाँ जनरल और ICU वार्ड तैयार करने में लगी है। यूवी फाउंडेशन का टारगेट देश में 1000 कोविड बेड तैयार करना है। हज यात्रा के नाम पर एयर टिकट बनाने को लेकर 16,62,000 की धोखाधड़ी के आरोपी को जोधपुर की सदर बाजार पुलिस ने अहमदाबाद से गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी बंशीलाल ने बताया कि ठगी के मामले में गुजरात के अहमदाबाद की फर्म टाइम ट्रेवल के मालिक अवधपुरी के ध्रुव को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब मामले में आरोपी से पूछताछ सहित कई पहलुओं की जाँच कर रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBD न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।